एक्सरसाइज 2.5। अब ये वाली क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं 2.5 और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ किबला और उसके बाद 7.1 जो हमने स्टार्ट की हुई थी वो कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इसमें से एक 2.5 में से 8 नंबर का आप लोगों को एक क्वेश्चन मस्ट है इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन ऑफ किबला में से आएगा। इसके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 8 से 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये अच्छे से कर लें तो आई होप कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग पास हो सकेंगे बार कैफ, क्योंकि ये बार बार लोगों ने मुझे कहा है कि 2.5 और 7.1 और डायरेक्शन ऑफ किबला के बारे में, तो इसलिए चाहिए तो ये था कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो डायरेक्शन को साइंस के बारे में बताया था तो उसी को लेके हम आगे चलते, तो वो भी मैं आज अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। उसके भी 2-3 क्वेश्चन कर दूंगा क्योंकि आज मुझे टाइम मिला है, तो आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बना दूं। इसका क्वेश्चन 2.1 का, मगर क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो 2 चीज़ें बार बार यूज़ होनी है, असल में इस एक्सरसाइज में हमने nth डेरिवेटिव मालूम करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में इस तरह की हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b, इस किस्म की हमारे पास स्टेटमेंट या क्वेश्चन इस किस्म का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास y इज इक्वल टू log ax प्लस b है तो उसका nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू, देखें इसकी पावर जो है वो 1 है, अब ये ऊपर जाएगा ax प्लस b रेज टू पावर -1। अब इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कह लेता हूँ, अब ये पावर पहले पावर यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं पावर पहले और इस पावर में से एक कम, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जो अगर मैं इधर लिखूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है x एज ए वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, तो फर्दर डेरिवेटिव इसका या फिर सारी स्टेटमेंट का भी आप लेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। मैं इधर से लिख लेता हूँ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी -1 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2। अब एक्स का एक्स के लिहाज से 1 आ जाएगा तो ये कांस्टेंट टर्म वैसे ही, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 वैसे भी -1 ए स्टार्ट में आ गया जी। अब ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो -1, अब यहाँ पे फिर अगेन पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर पहले -2 ए एक ये वाला ए और दूसरी दफ़ा जब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव इसी तरह मालूम करेंगे एक और इधर ए आ जाएगा तो उस ए को मैं इधर डायरेक्ट इसकी पावर 2 कर देता हूँ ए एक्स प्लस बी, अब इसकी पावर में से एक पावर और कम करनी है तो ये -3 हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे -1 है
और यहाँ इसमें से अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ -1 और 2, ठीक है। और इस वन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1। अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर AX प्लस बी रेज टू पावर -3। अब ये -1 की 2 पावर हो गई है। अब ये 2 और 1 2 फैक्टोरियल हो गया है। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर AX प्लस बी रेज टू पावर -3, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अगर हम देखें जब हमने y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, -1 की पावर 2। इसका मतलब जब हम y का इसी तरह चलते हुए nth डेरिवेटिव लेंगे तो -1 की पावर, यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव लिया तो -1 की पावर 2 बनी, अगर nth डेरिवेटिव लेंगे तो -1 की पावर n बन जाएगी। अगर यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, हमारे पास 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह a का अगर हमारे पास स्क्वेयर है तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास a स्क्वेयर हो गया, और nth लेंगे तो a की पावर n आ जाएगी। ax प्लस बी रेज टू पावर, अब ये देखिए अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो उसमें से -1 किया, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, अगर मैं इसको आप लोगों को इसको मैं मज़ीद दर लिख देता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, -1 स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वेयर। अब माइनस का ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब इसका nth डेरिवेटिव लिखना बिल्कुल आसान है, देखिएगा -1 रेज टू पावर, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका nth डेरिवेटिव n, ये सेकंड डेरिवेटिव है 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब n फैक्टोरियल। अब a का स्क्वेयर है तो a का nth, अब इसमें आ जाए, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे अगर 2 आता तो हम डायरेक्ट इधर nth डेरिवेटिव भी लिख देते, क्योंकि n सेकंड में एक ये 3 है इसकी पावर, तो इसको हम लिखेंगे n+1। तो हमारे पास इसका जो nth डेरिवेटिव है इस किस्म की इक्वेशन का, इस किस्म के क्वेश्चन का, इसका हमने अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है nth डेरिवेटिव, तो हम ये वाला लिखा करेंगे। अब इसको हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो log है तो इसका 1/x होता है ax+b, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ax का तो ये a आ जाएगा। इसी तरह इसको ax+b रेज टू पावर -1, ये हमारे पास आ गया y-। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखूं तो ये आ जाएगा a और -1 और ax+b और -2, और इसमें अगर एक अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लें तो इसका a आएगा, तो a मैं इसके ऊपर स्क्वेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा इसको अगर अरेंज करें, a² -1 ax+b रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे मैं इसका nth डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूँ। अब देखें जब हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो a की पावर 2 है, अगर हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो a की पावर n हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास -1 रेज टू पावर n -1 है, क्योंकि मैंने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया है तो सेकंड में से -1 कर दें तो इसकी वैल्यू, 2 में से -1 करें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैंने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया है तो 2 -1 इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें,
तो ये दोबारा 1 बन जाएगा। इसका मतलब अगर n माइनस 1 का फैक्टोरियल किया जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी जगह पे n ही आ जाएगा, ax प्लस बी रेज टू पावर n। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था। अब मजीद क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं।